डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर एमसीयू के कुछ उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्हें एमसीयू में बहुत ही ज्यादा जल्दी फेम मिल गई। और डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के कुछ उन टॉप फेमस कैरेक्टर्स में से है जिन्हें एमसीयू में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जो ज्यादातर कंप्लेंट एमसीयू फैंस की हमेशा से रही है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना वीक क्यों दिखाते हैं। अब देखो, नो डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन भाई उसी की पिक्चर में उसे बजा दिया गया। अब एंशिएंट वन ने ये बात खुद बोली थी कि स्ट्रेंज का मुकद्दर है कि वो हम सबसे बेहतर बने, और इसकी झलक हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखी जब स्ट्रेंज बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थैनोस के हर वार का जवाब दे रहा था, जिसके पास ऑलरेडी 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसपे थैनोस बोलता भी है कि तुमने अभी तक अपना सबसे बड़ा हथियार नहीं चलाया। और डॉक्टर स्ट्रेंज अभी एंशिएंट वन जितना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी कुछ 3-4 साल ही तो हुए हैं उसे सॉर्सर बने हुए, उसे बुक ऑफ विशांति के बारे में नहीं पता था, और वांडा डार्क होल जैसी बुक को घोल के पी गई थी। शायद इसी की वजह से वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मात दे दी।